का मेरा टॉपिक है द वे टू नैनो टेक्नोलॉजी, व्हाट डज इट मीन, समझाने का कोशिश करूंगा ये नैनो टेक्नोलॉजी में हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले मैं एक बार ब्रीफ कर दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय नैनो। जैसे मैं पहले भी बोला था कि मेरा साइड में जो सराउंडिंग में जो भी चीज दिख रहा है, ऑल ऑफ देम दे आर हैविंग थ्री डायमेंशंस, एक्स वाई एंड जेड। जैसे एक डायमेंशन को मैं छोटा किया यानी जेड डायमेंशन को जैसे मैं रिड्यूस किया तो मेरे पास दो डायमेंशन बच जाता है, एक्स एंड वाई। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मटेरियल। जैसे ये दो में से और वाई डायमेंशन को घटा देता हूँ यानी जब ये नैनो लेवल में पहुंचेंगे, नैनो लेवल मीन्स 10⁻⁹ मीटर, तो जब ये वाई कोऑर्डिनेट भी जब मेरा नैनो लेवल में पहुंचेंगे तब मैं पहुंचूंगा वन डायमेंशनल नैनो मटेरियल में, और जब एक्स भी नैनो मटेरियल लेवल में पहुंचेंगे, नैनो लेवल में पहुंचेंगे तो मैं पहुंचूंगा जीरो डायमेंशनल मटेरियल। तो साइड बाय साइड में जो थ्री डायमेंशनल मटेरियल जो दिखता है इसको बोला जाता है बल्क मटेरियल। व्हाट डू मीन बाय बल्क मटेरियल, जिस घर में आप बैठे हुए हैं जो आपका आंखों का सामने जो भी मटेरियल दिख रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इज हैविंग थ्री डायमेंशन, इसलिए ये हो गया बल्क मटेरियल। टू डायमेंशन का एग्जाम्पल हो गया थिन फिल्म। जो आपका मोबाइल स्क्रीन है, जो आपका लैपटॉप का स्क्रीन है, ऑल ऑफ देम दे बिलोंग टू अ थिन फिल्म। उसका बाद आता है वन डायमेंशन, दैट मींस नैनो एयर। हाउ डज इट लुक, इट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक दिस वे। ये कुछ लंबा लंबा तार तार जैसा दिखता है। ये चीज आप यू माइट नॉट बी फेमिलियर विद द थिंग बिकॉज वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द नैनो मटेरियल, तो ये चीज आप धीरे धीरे समझेंगे। और जीरो डायमेंशनल का मटेरियल होता है क्वांटम डॉट। तो बेसिकली आज मैं आप लोग का जो टॉपिक डिस्कस करूंगा, मैं बेसिकली थिन फिल्म के बारे में डिस्कस करूंगा क्योंकि और भी हायर लेवल ऑफ नैनो मटेरियल हो जाता है, इसीलिए मेरा आज का बेसिक इंटरेस्ट जो रहेगा वो टू डायमेंशनल मटेरियल ही रहेंगे। तो बेसिकली ये चीज चालू करने का पहले मैं आपको एक वीडियो का साथ चालू करना चाहूंगा। जैसे रोबोट, रोबोट क्या होता है ये आपका मूवीज वगैरह भी देखे हैं, हिंदी मूवी हॉलीवुड बॉलीवुड में आप रोबोट का बहुत सारे मूवीज देखे होंगे, लेकिन शायद ही आज आप जो मूवी देखने जा रहे हैं एक मिनट के लिए मैं आपको एक मूवी दिखा रहा हूँ। नाउ एंजॉय द मूवी। बेसिकली ये जो आपको जो ये ब्लैक स्क्रीन आपको जो दिख रहा है ये आपको नैनो रोबोट दिखाएगा। ये जो जो सर्कुलर टाइप का जो रिंग दिख रहे हैं ऑल ऑफ देम दे बिलोंग टू नैनो मटेरियल, और ये नैनो मटेरियल का कुछ शेप ऐसे होता है जैसे आपको इमेज दिख रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इज अ नैनो मटेरियल। और ये नैनो मटेरियल में भी ये जैसे जो मूवमेंट हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ नैनो रोबोट। नैनो रोबोट बेसिकली क्या करता है, ड्रग डिलीवरी वगैरह में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। कहते ये देखिए ये मटेरियल आकर यहाँ पर आपको इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस चीज को प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो ये नैनो मटेरियल का नैनो रोबोट का थ्रू आप आपका बॉडी में विदाउट ऑपरेटिंग द थिंग, ऑपरेशन के बिना इस मटेरियल को आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ नैनो मटेरियल ऑफ अ नैनो रोबोट। तो यहाँ पर आपको ये जो आपको जो स्क्रीन दिख रहा है दिस इज अ नैनो रोबोट, इट इज ये यहाँ आकर यहाँ पर कोई आपको मेडिसिन डिलीवर कर रहे हैं, हर एक का सेम देखिए ऑलमोस्ट सेम है। इट इज अ बायोडिग्रेडेबल थिंग, दैट मीन इसका अंदर में आपका बॉडी को कोई भी हैम्पर नहीं होगा। तो इस टाइप का जो मेटेरियल जो होता है, इस मेटेरियल को बोला जाता है नैनो मेटेरियल और इसको बोला जाता है नैनो रोबोट। फॉरेन में इंडिया में आज एक नंबर ऑफ रिसर्चर्स आर वर्किंग ऑन इट, और इस टाइप के आप नैनो मेटेरियल को डेवलप देखिए, ये एक नैनो रोबोट है, ये आपका जो अनवांटेड पार्टिकल है उसको लेके ये इसका अंदर थमा गया और ये बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, देखिए ये स्टिच कर दिया। दैट मीन इस टाइप ऑफ चीज जो हम लोग जो ऑपरेशन वगैरह जो डे टू डे लाइफ में जो करते हैं नैनो रोबोट के कैपेसिटी वही होता है। तो ये जो चीज है ये जैसे कोरोना वायरस से ज्यादा एक स्टेप है आपका बॉडी में। ये जो मैं आपको एक बार बोलूंगा, आपका बॉडी में जो वैक्सीन दिया जाता है ये वैक्सीन क्या, इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ नैनो रोबोट। आपका बॉडी में एक नैनो पार्टिकल को इंसर्ट किया जाता है और उसी तरीके से वो आगे चल के रिसर्च करते। जैसे मैं आपको पिछले दिन ही बोला था कि ये हम लोग के पास जो नैनो मटेरियल जो होता है, ये नैनो मटेरियल तीनों हिस्से में डिवाइड होता है, एक फॉर्मेशन और उसके बाद प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली मेरा फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन। तो ये नैनो फॉर्मेशन को मैं यहाँ पर ये स्लाइड में जो दिखा रहा हूँ ये इसको बोला जाता है नैनो फैब्रिकेशन या सिंथेसिस टाइप ऑफ मटेरियल। बेसिकली यहाँ पर दो टाइप का मटेरियल होता है, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच और एक होता है बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन इसका मीनिंग क्या है, सपोज आप एक कोयला ले लीजिए, एक बड़ा सा पत्थर ले लीजिए, उसका जैसे हैमरिंग करेंगे, हैमरिंग के बाद कोयला टूट के दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है
आप जो उसी का अंदर से एक हिस्से को उठाइए उसको और एक बार हैमरिंग कीजिए, वो और छोटा छोटा पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से आप जितने उसको हैमरिंग करते जाएंगे वो धीरे 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 वो बल्क मटेरियल टू नैनो मटेरियल में फॉर्मेशन होगा। ये जो टाइप होता है, इस टाइप को बोला जाता है टॉप डाउन अप्रोच। उसके बाद बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, बेसिकली ये जो जैसे आप लोग घर में देखे हैं, मम्मी को कभी देखे अदरक को पीसते, हमारे दृष्टि में अदरक को पीसते पिसाई करते तो ये छोटा छोटा बारीक बारीक कण में डिवाइड हो जाते। इसी तरीके से एक कोई भी एक बड़ा पार्टिकल को लेकर आप उसको छोटा छोटा पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं और इस टाइप का जो सिंथेसिस होता है इसको हम लोग इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। दैट मीन्स बड़ा पार्टिकल को मैं धीरे 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 छोटा पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक टाइप ऑफ एग्जाम्पल होता है बॉल मिलिंग प्रोसेस। तो बॉल मिलिंग प्रोसेस जो होता है इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सिंथेसिस मटेरियल, जहां पर हम लोग को पास क्या किया जाता है, बहुत सारा बॉल्स उनका द्वारा ये एक बड़ा बड़ा पार्टिकल को तोड़ तोड़ के छोटा छोटा। बेसिकली सेकेंड वन इज द बॉटम अप अप्रोच। बॉटम देखिए, इसके पहले का वाला जो था वो था टॉप डाउन अप्रोच, यानी बड़ा पार्टिकल से छोटा पार्टिकल बन रहा था, और ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मीनिंग क्या है, ये उसका जस्ट ऑपोजिट। जैसे पहले उसका अंदर में देखिए ये क्लीन सब्सट्रेट है, सब्सट्रेट क्या होता है जिसके अंदर मटेरियल को डिपोजिट किया जाता है, फिर इसके बाद जो मटेरियल को मुझे डिपोजिट करना है वो मटेरियल यहाँ पर धीरे धीरे आते हैं, इसका ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और फिर धीरे धीरे जब इसको ड्राई अप किया जाता है तो एक लेयर फॉर्म करता है। ठीक है, तो और उसके बाद ये जो हम लोग जो डायग्राम है, ये सब डायग्राम के बारे में मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, आगे बढ़ते जाइए आप लोग। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले एक स्टेप होता है न्यूक्लिएशन प्रोसेस। न्यूक्लिएशन प्रोसेस का मीनिंग क्या है, जैसे आप लोग केमिस्ट्री का जो बैकग्राउंड है आपको मालूम होगा कि एक जैसे सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को आप तोड़ेंगे तो ये दो हिस्से में डिवाइड होगा, ZN प्लस प्लस O माइनस। दैट मीन्स व्हेन एनायंस एंड कैटायंस दे केम टुगेदर दे रिएक्शन बिगिंस, और जैसे रिएक्शन चालू होगा सबसे पहले एक छोटा छोटा न्यूक्लिएशन, एक छोटा छोटा पार्टिकल न्यूक्लिएट होना चालू होगा। दैट मीन्स वन ZN प्लस एंड वन O माइनस इफ दे कम टुगेदर दे फॉर्म जिंक ऑक्साइड मेटेरियल। तो सबसे पहले एक जिंक ऑक्साइड का मॉलिक्यूल तैयार होगा, फिर धीरे धीरे उसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल अटैच होके फिर ये फॉर्मेशन चालू होता है। ये प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लिएशन प्रोसेस। ठीक है, तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ बॉटम अप अप्रोच। बेसिकली इसका बाद क्या आता है, इसका बाद हम लोग को मैं आपको जो ट्रायंगल दिखाया था वो ट्रायंगल आप किसी ने ड्रॉ करके रखे हैं, तो पहले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या होता है सिंथेसिस, सेकेंड पार्ट होता है प्रॉपर्टी। जब भी मैं उस कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करने जाऊंगा तो मुझे क्या होगा कि इसका अंदर क्या क्या फिनोमिनन हो रहा है और वो फिनोमिनन कैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे एक अच्छा माहौल में आप रहेंगे तो आपका पढ़ाई अच्छा होगा, आप डीजे पार्टी में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते, वहां जाएंगे तो आप घूमना चालू करेंगे। दैट इज माहौल ऑल्सो प्ले द वेरी वाइटल रोल। इसी तरीके का केमिकल प्रॉपर्टीज, ये बेसिकली इट इज ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिएक्टिविटी एंड द कैटलिस्ट। थर्मल प्रॉपर्टीज, ये क्या ये किसमें डिपेंडेंट होता है, द मेल्टिंग टेम्परेचर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, एडिशन एंड कैपिलरी फोर्सेस। यहाँ पर एडिशन को समझना जरूर, जैसे एडिशन दीवार में आप जो कलर करते हैं दीवार का कलर बाहर नहीं निकाल कर आता, तो इसी चीज को बोला जाता है एडिशन या एडसॉर्प्शन प्रॉपर्टीज। इसीलिए बोल रहा हूँ एक एक वर्ड बहुत बड़ा बड़ा मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है कि यहाँ पर जो एनर्जी उसके अंदर इंसिडेंट हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं और वो स्कैटर्ड करते हैं, और डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग के पास एक एब्जॉर्प्शन ग्राफ होता है और वो एब्जॉर्प्शन ग्राफ के जरिए हम उसका जो एनर्जी बैंड गैप का एनर्जी वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी बैंड गैप फ्रॉम दैट। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द टनलिंग इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद रहता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स इसका अंदर ये जो कोई भी मटेरियल है उस मटेरियल किस टाइप ऑफ मटेरियल है। जैसे आप जब इफ यू हैव गॉन थ्रू फ्रॉम द सुपर कंडक्टर तो वहाँ आप लोग डायमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ाई किए हैं। तो ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इट बेसिकली टेल्स यू अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ कुछ टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक बिहेवियर इट हैज। तो इस टाइप का जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी का एक एक को लेके मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैं जो लेडीज है यहाँ जो गर्ल्स है तुम लोग ऑर्नामेंट्स पहनते हो गोल्डन, तुम्हारे मम्मी का जो ऑर्नामेंट्स है गोल्ड है वो तुम देखे हो अभी तक येलो इस टाइप ऑफ कलर के। लेकिन मैं तुमको बोलूँ ये रेडिश कलर में होता है, ये तुम्हारा सामने जो दिख रहा है ये जो कलर तुमको जो दिख रहा है वायोलेट बोलो चाहे रेड बोलो चाहे पिंक बोलो चाहे येलो बोलो, दैट मीन्स इट ऑल्सो डिफर्स। जैसे जैसे मेरा पार्टिकल साइज चेंज होते जाएंगे ऐसे ऐसे इसका
कलर चेंज होते जाएंगे। आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकते हैं, मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप सभी ने गेहूं का आटा माने गेहूं का रोटी खाए हैं, गेहूं से आटा बनता है उसका रोटी खाए, दलिया खाए और सूजी खाए। आटा, दलिया और सूजी ये तीनों का टेस्ट सेम नहीं होता। क्यों सेम नहीं होता? बिकॉज द क्रिस्टलाइज साइज, इसका शेप, इसका ग्रेन साइज अलग अलग है। दैट मीन जैसे जैसे ग्रेन साइज चेंज होते जाएंगे इसके अंदर प्रॉपर्टीज चेंज होते जाएंगे। और इसी व्हाई इट इज चेंजिंग, इस चीज को जो जितना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे वो उतना एफिशिएंट साइंटिस्ट बन पाएंगे मेटेरियल साइंस का फील्ड में। जैसे मैं आपको एक बार बोल दूँ, थ्योरेटिकल ये जो फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स बेसिकली दो चीज़ों में डिवाइड होता है, एक होता है थ्योरेटिकल फिजिक्स, एक होता है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। जैसे ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ हम लोग को क्या है, एक स्ट्रेट लाइन लीनियर से एक ग्राफ दिखता है और वहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा ऐसे ऐसे करंट चेंज होते जाएंगे। ये तो मैं थ्योरेटिकली पढ़ लिया, लेकिन लैब में जाकर जब मैं उस एक्सपेरिमेंट को करूंगा तब वो एक दूसरे के साथ मर्ज करेंगे। एंड इफ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट दे मर्ज टुगेदर देन वी कैन फॉर्म आवर रेजोनेंस, हम लोग कुछ बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो नैनो स्केल है, बेसिकली एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को चाहे सपोज आपका हाथ में एक बॉल है, बॉल को समझ कर चलो इट इज ए सॉलिड बॉल, उसके अंदर फांपा नहीं है, उसके अंदर पूरा कंसोलिडेटेड बॉल है। अब उस बॉल का जो डायमेंशन है, तुम उसका डायमेंशन वगैरह निकालना मालूम है तुमको, सरफेस एरिया निकालना आता है, तुम उसको निकाल लो, उसको तुम एन नंबर ऑफ छोटा छोटा पार्टिकल में हिस्से में डिवाइड करो और फिर तुम इफ यू कैन टेक द सर्कमफेरेंस ऑफ ईच एंड एवरी नैनो पार्टिकल एंड इफ यू एड ऑन ऑल द थिंग्स, तो तुम्हारा जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो एनहांस हो जाएंगे। इसी तरीके से जो गैस रिस्पॉन्स है, कोई भी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जब उसको स्टडी करने जाएंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो एनहांस करना पड़ेगा। नैनो पार्टिकल जैसे ही बना रहा है इसमें क्या होता है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो एनहांस होता है और उसी तरीके से वो और भी एफिशिएंट पार्टिकल तैयार होता है। दैट इज वाई अ बल्क मटेरियल इज डिफरेंट देन अ नैनो मटेरियल। इस चीज को आपको समझना है तो आपको क्वांटम कन्फाइनमेंट समझना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आज ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको जस्ट एक ओवर लुक देकर जा रहा हूँ। बेसिकली इस चीज के बारे में मैं आपको पहले ही बोला था कि ये जो नैनो स्केल का जो बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये सब के बारे में मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया जाएंगे। पहले हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे हाउ दिस नैनो मटेरियल आर फॉर्मिंग। बेसिकली नैनो मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप ऑफ थिंग्स। One is physical vapor, physical evaporation technique or physical technique, and another one is chemical technique. Physical technique में क्या होता है, basically यहाँ पर तुम लोग एक अच्छी तरीके से समझ लो, physical technique थोड़ा सा नोट डाउन कर लो तुम लोग, physical technique थोड़ा सा costly technique होता है और chemical technique थोड़ा सा सस्ता होता है, यानी cost effective होता है। फिजिकल टेक्निक में वैक्यूम टेक्नोलॉजी का जरूरत होता है, केमिकल टेक्निक में वैक्यूम टेक्नोलॉजी का जरूरत नहीं होता है। फिजिकल टेक्निक तुमको बहुत बड़ा बड़ा रिसर्च लैब में मिलता है, लेकिन तुम तुम्हारा कॉलेज लेवल में रिसर्च करना चाहते हो, इफ यू वांट, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डिस्कस विद योर मैम, विद योर कोऑर्डिनेटर मैम, सी कैन ऑल्सो हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। तो बेसिकली केमिकल जो है, केमिकल सिंथेसिस जो है, इस चीज को आपका रिसर्च लैब, आपका लैब में डेवलप कर सकते हैं। आपका सामने जो आपका आंखों का सामने जो फिजिक्स या केमिस्ट्री का लैब है वहाँ आप डेवलप कर सकते हैं। आप आपका किचन में, आपका घर में इस चीज को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस, प्रॉपर प्रिकॉशंस, प्रॉपर ट्रेनिंग, देन एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। तो बेसिकली जो फिजिकल टेक्निक है, फिजिकल टेक्निक को मैं दो हिस्से में डिवाइड कर सकता हूँ, जैसे वैक्यूम टेक्निक एंड स्पटरिंग। ये सब चीज़ क्या है क्या नहीं, इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। वैक्यूम टेक्निक के अंदर क्या क्या आता है, रेजिस्टिव हीटिंग, फ्लाश इवापोरेशन, आर्क इवापोरेशन, आरएफ स्पटरिंग एटसेट्रा। एंड स्पटरिंग में क्या होता है, ट्रायड स्पटरिंग, ग्रिटर स्पटरिंग, आरएफ स्पटरिंग, मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग एटसेट्रा। ये सब चीज़ का मैं तुमको समराइज फॉर्म में समझाऊंगा, यू शुड वेट फॉर माई नेक्स्ट स्लाइड। और केमिकल टेक्निक में क्या होता है, इसको भी मैं दो हिस्से में डिवाइड कर सकता हूँ, एक है गैसियस फेज, एक है लिक्विड फेज। गैसियस फेज में क्या होता है, सीवीडी, केमिकल वेपर डिपोजिशन, ये केमिकल वेपर डिपोजिशन के बारे में मैं आपको आइडिया दूंगा, लेजर सीवीडी, पीवीडी, प्लाज्मा हीनन सीवीडी, दैट मीन्स देयर आर वेरियस टाइप ऑफ केमिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक्स आर देयर डिपेंडिंग ऑन द नेसेसिटी, डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया। लेकिन एक बार मैं एक इन अ सिंगल सेंटेंस मैं बोल सकता हूँ, देयर आर एन नंबर ऑफ डिपोजिशन टेक्निक्स आर देयर। मैं उसी के अंदर से कुछ कुछ चीज का आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके मैं आगे बढ़ूंगा। बेसिकली लिक्विड फेज में क्या होता है, केमिकल वाटर डिपोजिशन, इलेक्ट्रो डिपोजिशन, स्प्रे पायरोलिसिस, सोलजेल टेक्निक एंड सीलर टेक्निक। तो बेसिकली अभी मैं आप लोग के साथ दो टॉपिक पहले डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो टॉपिक है केमिकल टेक्निक। केमिकल टेक्निक क्या है, इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक, ये सस्ता टेक्निक है, यहाँ पर उतना कॉस्टली चीज यहाँ पर हम लोग यूज नहीं करते। तो ये चीज को आप चाहे तो आप आपका लैब में भी डेवलप कर सकते हैं,
और यहाँ से आप आपका लाइफ को भी आगे बढ़ा। बेसिकली सॉल्यूशन ग्रोथ टेक्निक में क्या होता है, सॉल्यूशन ग्रोथ टेक्निक का नाम है केमिकल बाथ डिपोजिशन टेक्निक। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, घर में इस चीज को आप तैयार कर सकते हैं। जैसे उसका पहले सबसे पहले जो आता है सॉल्यूशन ग्रोथ टेक्निक, सॉल्यूशन ग्रोथ टेक्निक का और एक नाम है केमिकल बार डिपोजिशन टेक्निक, इट इज अ वेरी इजी टेक्निक। यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर फरमाइए, तो यहाँ पर देखिए एक सब्सट्रेट है, यहाँ पर एक हीटर लगा हुआ है, यहाँ एक बात है, बात यानी एक बीकर समझ लीजिए, एक बीकर है, बीकर में सॉल्यूशन है, यहाँ पर एनायन और कैटायन को डाला गया है और उसी के अंदर में एक सब्सट्रेट को रखा गया है और उसको मैग्नेटिक स्टैंडर्ड यानी एक सिंपल सी समझ कर चलिए एक हीटर के ऊपर इसको बैठाया गया है रिएक्शन मैकेनिज्म को फास्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज को फिर यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर वी हैव टू ऑप्टिमाइज द पैरामीटर, बहुत सारे फैक्टर्स होता है वो, जैसे खाना पकाने का टाइम में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नमक हल्दी मिर्च मसाला सब कुछ प्रॉपर वे में देना पड़ेगा तो खाना मेरा प्रॉपर बनेगा। तो जैसे मम्मी का हाथ का खाना जो बनेगा, आपका आप उतना एक्सपर्ट नहीं है तो आप उतना अच्छा खाना नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि मम्मी का हाथ एक्सपर्ट है, मम्मी के पास पैरामीटर सब कुछ, कितना नमक देना है, कितना मिर्ची देना है, कितना तेल देना है, किसका बाद क्या देना है, ये सब चीज़ मम्मी के हाथ में पैरामीटर ऑप्टिमाइज है, तो इसीलिए वो गुड क्वालिटी का खाना बनता है, लेकिन मेरे हाथ में वो चीज़ नहीं बनता। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग को पैरामीटर को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा और एक एक डिपोजिशन टेक्निक, ये नैनो टेक्नोलॉजी इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इसको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तो आगे की चीज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड लगा, लेकिन इसका देखिए मेन सेटअप ये यही है, ये इसका बेसिक सेटअप है। यहाँ पर देखिए एक ये बीकर है, बीकर में आपको कोई भी एक पेपर का सपोर्ट में इसका सब्सट्रेट को रख दिया, सब्सट्रेट को इसके अंदर डिप किया गया है और ये डिपेंड करता है ये कौन सा मटेरियल को आप डिपोजिट कर रहे हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको टेम्परेचर वगैरह भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ को आपको ऑप्टिमाइज करके फिर आप उस मटेरियल को, नैनो मटेरियल को सिंथेसिस कर सकते हैं। तो मेरा जो काम था, मेरा जो पीएचडी का काम था, सक्सेसिव आयोनिक लेयर एडसॉर्प्शन एंड रिएक्शन टेक्निक। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, सीबीडी में ये जो कैटायन और एनायन दोनों को मैं एक साथ मिक्स कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एनायन और कैटायन को अलग अलग रखा हूँ। और उसका बाद मैं क्या किया, उसका बाद मैं एक ग्लास सब्सट्रेट लिया जिसके अंदर मुझे मटेरियल को डिपोजिट करना था। तो यहाँ पर आप एक लाइन में नोट करके रखिए, सब्सट्रेट इज अ मटेरियल ऑन व्हिच द नैनो मटेरियल कैन बी डिपोजिटेड, जिसके अंदर नैनो मटेरियल डिपोजिट होता है उसको सब्सट्रेट बोला जाता है। और यहाँ पर मेरा केस है ग्लास सब्सट्रेट। तो ये जैसे ये कैटायन्स में मेरा पीएचडी था जिंक ऑक्साइड में, तो यहाँ पर इट इज द सोर्स ऑफ जिंक, कैटायन इज द जिंक एंड एनायन इज द ऑक्साइड, ओके। तो यहाँ पर क्या है, जैसे इसके अंदर मैं इसको डिप किया तो इसके अंदर एक लेयर ऑफ कैटायन्स आ गया, दे आर द टाइटली बाउंड एंड सम ऑफ देम आर द लूजली बाउंड। और ये जब है इसीलिए मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मैं उसको डीआयनाइज्ड वाटर में इसको रिंस किया, डीआयनाइज्ड वाटर में रिंस करने के बाद क्या हो गया, मेरा जो लूजली बाउंडेड एटम्स है वो इसके अंदर, दैट मीन्स ये जो लूजली बाउंडेड एटम्स है ये रिमूव आउट हो गया, और रिमूव आउट होने के बाद ये एनायन्स में गया तो उसका ऊपर ज़ेडन के ऊपर ऑक्सीजन का लेयर आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पर लूजली बाउंड हो गया। और यहाँ पर जब मैं डिप करूँगा यहाँ से लूजली बाउंडेड निकल जाएंगे और यहाँ पर क्या होगा, मेरा पास जिंक ऑक्साइड का लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे जितना साइकिल मेरा बढ़ते जाएंगे तो मेरा थिकनेस उतना बढ़ते जाएंगे और आई एम गोइंग टू गेट अ रिक्वायर्ड मटेरियल ऑफ द जिंक ऑक्साइड। तो दिस इज द सक्सेसिव आयोनिक लेयर एडसॉर्प्शन एंड रिएक्शन। यहाँ पर मैं आपको एक बात बोल दूँ, पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन प्ले द वेरी वाइटल रोल। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको इस चीज़ को, पैरामीटर को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो दिस इज द सेटअप, ओरिजिनल सेटअप। एंड आज का दिन मैं तो ये पूरा चीज़ मैनुअली किया था और आज का दिन में आपको कंप्यूटर ऑपरेटेड सिस्टम आ चुका है। तो इस टाइप का सिस्टम है, देखिए यहाँ पर भी एक दो, यहाँ पर भी एक बीकर है और यहाँ पर भी एक बीकर है। इसका नीचे ये जो दिख रहा है, दीज आर ऑल द मैग्नेटिक स्टायरर कंप्यूटर। तो यहाँ पर क्या होता है, एक मैग्नेट होता है, जैसे चम्मच को कोई शरबत बनाना है तो आप लोग उसको चम्मच से घूर देते हैं, तो चम्मच का जो काम होता है स्टेयर का काम वही होता है। इसी तरीके से ये सीलर को डिपॉजिट किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है इलेक्ट्रो डिपोजिशन सेटअप। इलेक्ट्रो डिपोजिशन सेटअप में क्या होता है, एनोड और कैथोड का जरिए डिपोजिट किया जाता है। आप भी जूनियर क्लास में भी इलेक्ट्रो प्लेटिंग वगैरह पढ़ कर आए हैं, उसी चीज़ के जरिए यहाँ पर हम लोग मटेरियल को डिपोजिट कर सकते हैं और हम लोग के पास रिक्वायर्ड मटेरियल हम लोग वहाँ से ले सकते हैं। उसी तरीके का स्प्रे पायरोलिसिस टेक्निक है। और एक बात मैं आपको बोलूँ, ये जो स्प्रे पायरोलिसिस टेक्निक है ये बहुत ही ईजी टेक्निक है और ये आप आपका डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर कॉम्प्रेस्ड एयर है और यहाँ पर ये क्या होता है, और यहाँ पर जो मटेरियल को डिपॉजिट करना होता है वो मटेरियल यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर आपका सब्सट्रेट रखा हुआ है
और यहाँ पर एक छोटा सा नोजल है, और वहाँ से क्या होता है ये एयर प्रेशर का थ्रू यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है टेम्परेचर कंट्रोलर रहता है, ये जो सबस्ट्रेट का ऊपर का टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, और इसी तरीके से आप क्या करते हैं स्प्रे पायरोलिसिस सिस्टम तैयार करते हैं। और ये जो सिस्टम है ये आपका जो आज के दिन में जो टीवी का ऐड वगैरह जो आते हैं कि मशीन का थ्रू आपका घर कलर हो रहा है, वहाँ पर भी स्प्रे पायरोलिसिस का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए इस मटेरियल को डिपॉजिट किया जा रहा है, ये स्प्रे गन है, यहाँ पर एयर प्रेशर इस पाइप से कंट्रोल हो रहा है, वही चीज़ तो मेरा यहाँ पर है ना, तो इट इज़ ऑलमोस्ट सेम एज लाइक दिस थिंग। तो वही चीज़ को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी को हम लोग हर जगह यूज़ कर रहे हैं, आपको भी इस चीज़ को समझना जरूरी है। उसके बाद आता है फिजिकल टेक्निक। फिजिकल टेक्निक में क्या होता है, इस स्लाइड को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए तो आपको लाइफ में कभी भी नैनो टेक्नोलॉजी में फिजिकल टेक्निक को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तीन चीज होता है, पेपर पे ले लीजिए आप लोग, वहाँ नोट डाउन कीजिए। एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है सोर्स, ठीक है, और एक होता है एनर्जी। आप देखिए ये है सोर्स कंटेनर, ये है सोर्स कंटेनर, यानी ये समझ कर लीजिए ये आपको चाय बनाना है, आपको चाय का पतला ले लिया, चाय का पतला में पानी डाला, पानी का अंदर आपने शक्कर डाला, नमक डाला, अदरक डाला, ठीक है, और मसाला डाल दिया। तो ये जो सोर्स कंटेनर है, यानी आपको चाय बनाना है तो ये जो कटल है, कटल क्या है सोर्स ऑफ कंटेनर, तो मैंने सोर्स कंटेनर, और उसके अंदर आपको चाय बनाना है तो चाय डाल दीजिए। यहाँ पर जो जिस मटेरियल को बनाना है वो मटेरियल को डाल दीजिए, वो मटेरियल को डालने के बाद मैं क्या करता हूँ इसको नेक्स्ट आप लिखे एनर्जी। एनर्जी क्या करता है, ये जो सोर्स मटेरियल है ये सोर्स मटेरियल को ये बॉम्बार्ड करते हैं, ठीक है। तो जैसे भी आपको यहाँ पर बोला, देखिए वैक्यूम टेक्निक, यहाँ पर मेरा जो रेजिस्टिव हीटिंग, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट जनरेट करना पड़ेगा, और ये हीट कैसे जनरेट करूँगा, रेजिस्टिव के जरिए जाएगा। फ्लैश इवेपोरेशन, यानी कोई भी एनर्जी को मैं फ्लैश में बॉम्बार्ड किया, दैट मीन्स डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी ये जो मटेरियल है ये मटेरियल चेंज होते जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से स्पार्टिंग, टाइप ऑफ स्पार्टिंग इट ऑल्सो डिपेंड ऑन कि आप किस टाइप का मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जैसे जैसे आप इसका मटेरियल को जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे उस टाइप से क्या होगा आपके पास नैनो, आपका देर आर वेरियस टाइप ऑफ डिपोजिशन टेक्निक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो फिजिकल टेक्निक में डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर देयर। और उसके बाद क्या है, एट द एंड आपको सबस्ट्रेट होल्डर में सबस्ट्रेट लगा हुआ है, और ये सबस्ट्रेट क्या है, यही सबस्ट्रेट आपको क्या करेगा उसका अंदर मटेरियल को डिपॉजिट करेंगे। और यहाँ पर क्या होता है वैक्यूम चेंबर, वैक्यूम चेंबर क्या करता है कि ये जो सैंपल को प्योरिटी प्रदान करता है, जैसे मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। व्हाट डू यू मीन बाय मीन फ्री पाथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन। यहाँ पर जब वैक्यूम आ जाता है तो ये मीन फ्री पाथ ज़्यादा हो जाता है, और ये मीन फ्री पाथ ज़्यादा होने से इसके अंदर मटेरियल का एनर्जी लॉस हो जाता है कम, ओके। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, यू आर गोइंग टू गेट अ गुड क्वालिटी फिल्म, ठीक है। तो ये जो है दीज आर द सबस्ट्रेट, ओके, ये जो है सोर्स, मैंने ये जो सबस्ट्रेट दिखा आपको, ये सबस्ट्रेट इसके अंदर रहेगा, सबस्ट्रेट होल्डर में रहेंगे क्योंकि उसके अंदर सबस्ट्रेट को डिपॉजिट करना है। सोर्स मटेरियल जो रहता है, जिस मटेरियल को आपको डिपॉजिट करना होता है वो होता है सोर्स मटेरियल। और उसके बाद ये जो सोर्स मटेरियल जो होता है, सोर्स मटेरियल इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, और इसको पैलेट बोला जाता है। ये पैलेट कैसे बनता है, इसी पाउडर को कॉम्प्रेस करके ये पैलेट बनता है। और उसका बाद क्या होगा, यू आर गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ फिल्म, ओके। तो इस टाइप का फिल्म आपको मिल जाएंगे, ओके, और ये जो फिल्म है इस फिल्म को हम लोग फर्दर स्टडी कर सकते हैं। जैसे फिजिकल वेपर डिपोजिशन सिस्टम, यहाँ पर क्या होता है, ये जो है ये एक वैक्यूम चेंबर है, ये एक सिस्टम है। इसका अंदर देखिए मेन कॉन्सेप्ट यही है जो पिछले स्लाइड में आप देखे हैं, मेन कॉन्सेप्ट यही है। फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पर जैसे बहुत सारे हीट जनरेट होता है, वैक्यूम लिया तो वैक्यूम पंप होगा, वैक्यूम पंप रहेगा, ठीक है, इसको मॉनिटर करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर को मॉनिटर करना पड़ेगा, तो कूलिंग सिस्टम होगा। इसीलिए ये जो चीज़ है यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इतना सारे बटन्स दिख रहा है, ये जो चीज़ है दीज आर द कंट्रोल पैनल, और ये जो चीज़ है यहाँ पर मेन चेंबर है, और यहाँ पर आपका वैक्यूम पंप वगैरह रहता है, ठीक है। और बाकी चीज़ को जो है इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पूरा चीज़ यहाँ से आपका ऑपरेट होगा, और इसका मशीनरी इसके अंदर रहता है, पंप वगैरह इसके अंदर रहता है। और इसी तरीके से दिस इज अ फिजिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक, और उसके बाद क्या होता है आयरन बीम डिपोजिशन टेक्निक, दिस इज द आयरन बीम डिपोजिशन टेक्निक। और आपको एक बात बोल दूँ, ये जो फिजिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक आपको दिखाया, ये जो आयरन बीम डिपोजिशन टेक्निक आपको दिखा रहा हूँ, दे आर ऑफ हाई वेरी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट, ये लोग का इसका कॉस्ट सम इट वुड बी नॉट लेस देन 40 to 50 lakhs, यस यू आर लिसनिंग प्रॉपरली, इट इज इन सम लैक, एंड कभी कभी ये करोड़ तक जाता है इसका प्रॉपर स्पेसिफिकेशन कर लिए।
तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आयरन सोर्स टारगेट मटेरियल में जाते हैं, टारगेट मटेरियल को बॉम्बार्ड करके फिर वो सबस्ट्रेट में, सबस्ट्रेट के ऊपर वो डिपॉजिट होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे मैं आर्गन गैस को इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पर प्लाज्मा जनरेट होता है और वी आर गोइंग टू गेट द गुड क्वालिटी फिल्म। और ये जो जितना भी डिपोजिशन टेक्निक है, सबसे कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है आयरन बीम डिपोजिशन टेक्निक। इसका जो है यहाँ पर क्या होगा, आपको जो सैंपल मिलेंगे, दिस सैंपल आर ऑफ गुड क्वालिटी। और इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी डिवाइस ग्रेड एप्लीकेशन के लिए हम लोग इसी को यूज करते हैं। उसके बाद आता है केमिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक, ठीक है। यहाँ पर सब्सट्रेट होता है, इसको हीटर हीट दिया जाता है और इसको ऊपर मटेरियल को डिपोजिट किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, इनर गैस वगैरह चलाया जाता है। तो उस टाइप से देखिए, यहाँ पर भी एक आउटलेट है, यहाँ पर भी एक आउटलेट है, तभी यहाँ से गैस इन होता है, यहाँ से गैस आउट होता है, ताकि वहाँ पर कोई कंटामिनेंट ना आ जाए। और यहाँ पर मैं वैक्यूम भी क्रिएट कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू गेट गुड क्वालिटी ऑफ फिल्म। तो ये तो गया अभी तक सिंथेसिस के बाद। आप इस चीज को मैं किस टाइप से सिंथेसिस कर सकता हूँ उस चीज के बारे में अभी हम लोग, मैंने क्या क्या प्रॉपर्टीज के बारे में मैं इसको स्टडी कर सकता हूँ उस चीज के बारे में मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, नाउ वी आर गोइंग फॉर द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज में बेसिकली क्या होता है, इट बेसिकली टेल्स अस अबाउट द साइज एंड शेप। और ये किसके जरिए, ये इसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, XRD, एक्सरे, XRD का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप लोग, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ACM का फुल फॉर्म है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ASM का फुल फॉर्म है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, TM का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद आता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द एनर्जी बैंड गैप ऑफ द मटेरियल और एलिमेंट्री, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है, ठीक है, और वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पर बहुत तरीका का ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, जिसके अंदर बेसिक है UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और FTIR। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम लोग उसका अंदर जो है ओम्स लॉ, वी इक्वल टू IR, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। और ये बेसिकली हम लोग 2-probe मेथड और 4-probe मेथड के जरिए इस चीज़ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जैसे आप लोग, मैं आपको पहले बोला था कि आप लोग सुपर कंडक्टर के बारे में पढ़ाई किए हैं या मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ाई किए हैं, तो आपको मालूम होगा व्हाट डू मीन बाय डायमैग्नेटिज्म, व्हाट डू मीन बाय पैरामैग्नेटिज्म, व्हाट डू मीन बाय फेरी मैग्नेटिज्म एंड व्हाट डू मीन बाय फेरोमैग्नेटिज्म। और तुमने जो मटेरियल बनाया, जो नैनो पार्टिकल तैयार किया, वो नैनो पार्टिकल किस टाइप का मटेरियल है, इस चीज को समझने के लिए हम लोग को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करना पड़ेगा, जिसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे लाइक स्क्विड। स्क्विड का फुल फॉर्म क्या होता है, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेस, VSM एक्सेट्रा। ये क्या बोलते हैं, ये बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बोलते हैं। जैसा हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में पढ़ाई किए हैं, तो ये हिस्टेरेसिस कर्व में ये बोलते हैं ये सॉफ्ट मैग्नेट है या हार्ड मैग्नेट है, इस टाइप के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। इसी इंस्टीड ऑफ दैट आप सोलर सेल एप्लीकेशन, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के जरिए आप इसका जो है वेदर इट इज अ फोटोडायोड और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत सारे प्रॉपर्टीज का अंदर है, इसका लुमिनेसेंस प्रॉपर्टीज भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ये बोलते हैं नेसेसिटी गिव बर्थ टू द इन्वेंशन। तो जैसे जैसे आपका जिस क्वेश्चन का आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो ही आपको उसका सोल्यूशन आप ढूंढेंगे। तो यहाँ पर जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपका जो सबसे जो बेसिक मोस्ट बेसिक आइडियाज है, वो मैं यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करने का कोशिश करूंगा। जैसे और भी बहुत तरीके का यहाँ पर कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैं दिया हूँ, जैसे RBS। RBS क्या होता है, रदरफोर्ड बैक स्कैटरिंग। ये क्या होता है, ये क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस देता है। SANS सिंगल एंगल न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, ये क्या होता है, सरफेस कैरेक्टराइजेशन के बारे में बोलते हैं। NRA न्यूक्लियर रिएक्शन एनालिसिस, ये क्या बोलते हैं, डेप्थ प्रोफाइल ऑफ सॉलिड फिल्म के बारे में बोलते हैं। RS क्या होता है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन एनालिसिस के बारे में बोलते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन सिस्टम, ये क्या बोलते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बोलते हैं। EDX एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एलिमेंटल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। SAXS स्मॉल एंगल एक्सरे स्कैटरिंग, ये सरफेस एनालिसिस और पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन करते हैं। CLS कैथोलुमिनेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स एमिशन के बारे में स्टडी करते हैं। NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालिसिस ऑफ ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियर स्पीसीज के बारे में ये स्टडी करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बेसिक सम इंस्ट्रक्शंस के बारे में बोल देता हूँ। ये इस चीज को समझना है आपको, क्रिस्टलोग्राफी को समझना है आपको, एक्सरे के बारे में स्टडी करना है या आपको मेटेरियल साइंटिस्ट बनना है,
तो आपको क्रिस्टलोग्राफी में आपका दखल होना चाहिए। नाउ यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल? क्रिस्टल इज नथिंग बट द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एटम। यहाँ आपको जो एक एक ट्यूब दिख रहा है, यहाँ पर देखिए आप इस साइज में भी देखेंगे और आप एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन में देखिए, ऑल द एटम दे आर अरेंज इन अ वेरी प्रॉपर वे। और यहाँ पर क्या है, तो इसी तरीके से ये आपको एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को शो करता है। और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे शो करता है, बेसिकली इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट बी अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, और उसको बोला जाता है यूनिट सेल, प्रिमिटिव सेल, यूनिट सेल, प्रिमिटिव सेल, इस बारे में ये डिस्कस करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इट इज असेंबली ऑफ टू टाइप ऑफ थिंग्स, क्रिस्टल लैटिस प्लस बेसिस। लैटिस एट द पॉइंट दैट इनफिनिटली स्मॉल इन स्पेस एंड लैटिस पॉइंट डू नॉट नेसेसरीली लाई एट द सेंटर ऑफ द एटम। दैट मीन वन ऑफ देम लैटिस इज अ फिजिकल कॉन्सेप्ट एंड बेसिस इज द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये दोनों को जैसे आप मैच कर देंगे यू आर गोइंग टू गेट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये जो ब्रैग्स लॉ, ये जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को आपको समझना है, तो आपको सबसे पहले जो चीज समझना जरूरी है वो है ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ क्या होता है, मैं जैसे आपको पहले बोला था, क्रिस्टल इज नथिंग बट द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो एक्सरे दे आर इंसिडेंटिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्लेन, और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं ये एनालिसिस कर सकता हूँ कि ये जो डिफ्रैक्शन जो होता है, डिफ्रैक्शन मीन द बेंडिंग ऑफ लाइट और द बेंडिंग ऑफ बीम। तो बेसिकली ये किस में डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इसका इंटरप्लेनर स्पेसिंग। व्हाट डू मीन बाय इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ये जो दो प्लेट्स है, ये जो दो प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस, इसको बोला जाता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग। और यहाँ पे जो ये जो एंगल क्रिएट करता है, इसको बोला जाता है टू थीटा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रैग्स लॉ, और इसका मैथमेटिकल डेरिवेटिव है वो भी आप कर आए, जहाँ पर आप पार्ट डिफरेंस निकालेंगे तो आपको ये निकाल कर आएंगे। और ये पार्ट डिफरेंस इट इज अ इंटीजर मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ यूज। लैम्डा जो है, लैम्डा इज द एक्स रे विच इज यूज ओवर हियर। और यहाँ पर हम लोग का, सॉरी, यहाँ हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग को बोला जाता है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, व्हेयर एन इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। दिस इज द ब्रैग्स लॉ। और डिपेंडिंग ऑन दैट देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन सिस्टम्स आर देयर। इसके अंदर मैंने आज जो आपका साथ डिस्कस करूंगा वो है पाउडर डिफ्रैक्शन सिस्टम। बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको जो दिख रहा है, आपका लेफ्ट साइड में जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है, दिस इज द एक्सरे डिफ्रैक्शन सिस्टम। यहाँ पर हम लोग का पास क्या होता है, यहाँ हम लोग का एक प्लॉट देता है टू थीटा वर्सेस इंटेंसिटी। ये एक सिग्नेचर प्लॉट है, ये बोलता है ये मटेरियल किस टाइप का मटेरियल है, और यहाँ से हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर क्रिस्टल के बारे में आप डिस्कस करेंगे, तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ क्रिस्टल्स आर देयर, सिंगल क्रिस्टल, पॉली क्रिस्टल एंड अमोर्फस मटेरियल। अमोर्फस मटेरियल का मीनिंग क्या होता है, द पार्टिकल व्हिच आर नॉट अरेंज प्रॉपरली, मतलब जो क्रिस्टल प्रॉपर वे में बन नहीं पाया उसको बोला जाता है अमोर्फस क्रिस्टल। ठीक है, और उससे जो बेटर है उसको बोला जाता है पॉली क्रिस्टल, और जो परफेक्ट क्रिस्टल है उसको बोला जाता है सिंगल क्रिस्टल। तो ये जो आपका पास ये जो ऊपर में जो डायग्राम दिख रहा है, दिस इज द सिंगल क्रिस्टल, और ये जो नीचे वाला जो डायग्राम दिख रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द सिंगल क्रिस्टल। और यहाँ पर ये किस टाइप से काम करता है, उस टाइप का उसका एक पाउडर डिफ्रैक्शन पैटर्न का एक आपको स्पॉट दिखाया गया, इस टाइप का भी आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाँ, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाके आपका मटेरियल को स्कैन करता है, और ये टोटली कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। और इसके जरिए ये जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में, ये होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये होता है फील्ड इफेक्ट स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज द राइट वन, इज मोर हायर ऑर्डर वर्सन ऑफ द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेसिकली ये जो पिक्चर, आप जो ये एक पिक्चर है, इट इज वेल नोन पिक्चर ऑफ डॉक्टर आइंस्टाइन साहब, जैसे हम लोग सेल्फी वगैरह खींचते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग खुद को स्कैन करते हैं। इसी तरीके से आपका सैंपल को, जो नैनोमेटेरियल को जो स्कैन करता है, उसको बोला जाता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और यहाँ पर नीचे थोड़ा सा उसको जूम करके देखेंगे तो इट विल बिकम, आपको पिछले दिन भी इस टाइप का कोई इमेज दिखाया था, और इस टाइप का आपको नैनोपार्टिकल का शेप एंड साइज दिखता है। यहाँ से पता चलता है कि आपका नैनोपार्टिकल कैसे डिवाइस ग्रेड एप्लीकेशन के लिए तैयार हुआ है। और बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ये बेसिकली स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दैट इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होता है, फिर यहाँ पर सब कंडेंसर लेंस होता है, फिर यहाँ पर ये होके ये सैंपल में आकर इंसिडेंट होता है। ये देयर आर वेरियस टाइप ऑफ स्टेप, और यहाँ पर ये जो लेंस वगैरह जो लगा हुआ है, ये क्या करता है, सैंपल को मार्क करता है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो है ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करके कंप्यूटर स्क्रीन में भेजता है, और उसका जरिए हम लोग के पास इस टाइप का इमेज तैयार होता है। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है, ये मटेरियल को स्कैन करता है, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ये मटेरियल को ट्रांसमिट करता है, यानी इस पार टू उस पार, ये तुम्हारा सैंपल है, यहाँ से इस पार से उस पार निकल जाएगा और निकाल के फिर इसका जो है कंप्यूटर स्क्रीन में इसका सेटअप रिकॉर्ड किया जाता है, और हम लोग के बाद कुछ इस टाइप का सेव दिखता है, और इस ये जो सेव है ये तुम्हारा इमेज नहीं है, ये तुम्हारा जो क्रिस्टल है, यानी ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तुम्हारा बॉडी का अंदर जो है उस चीज को ये दिख रहा है, तुम्हारा सैंपल का अंदर जो मटेरियल उस चीज को ये दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये कुछ हद तक XRD को रिप्लेस कर सकता है। उसके बाद आता है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ये एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप का सेटअप है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो सैंपल है, ये सैंपल तुमने जो नैनो मटेरियल जो थिन फिल्म वगैरह बनाया वो एक इस टाइप का एक सैंपल है, और यहाँ पर एक कैंटिलीवर लगा हुआ है, और यहाँ से एक लेजर इसका अंदर इंसिडेंट होता है, और इसके ऊपर एक रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा हुआ रहता है, इसका अंदर जैसे जैसे ये जो माना, और ये जो है ये जो टिप है, ये टिप मैं जल्दी जल्दी में पीपीटी को बनाया तो इसलिए मैं डिटेल में दिखा नहीं पाया आपको, तो यहाँ पर जो टिप है, ये टिप का जैसे जैसे रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ पर ऐसे डिटेक्टर में डिटेक्ट करेंगे, और आपको इस टाइप का टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल इमेज देंगे। यहाँ पर आप इसको स्ट्रेन दें या किस टाइप का मटेरियल है, और ये बेसिकली पिछले दो केस में हम लोग इलेक्ट्रॉन को एज ए प्रिंसिपल यूज किए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, हम लोग इसको यूज कर रहे हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, दैट मीन वी आर कंसिडरिंग द फोर्स कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू गेट दिस टाइप ऑफ इमेज। उसके बाद आता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर FTIR, वो कुछ इस टाइप का सेटअप होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली हम लोग के पास इस टाइप का एक एब्जॉर्प्शन प्लॉट होता है, जिसके जरिए हम लोग उसका एनर्जी बैंड वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पर और इसका दिस इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। जैसे मैं एनर्जी बैंड गैप तो कैलकुलेट कर लिया, एनर्जी बैंड गैप कैलकुलेट किया तो मुझे ये पता चला कि वेदर इट इज अ मेटल, वेदर इट इज अ इंसुलेटर, और वेदर इट इज अ सेमीकंडक्टर। तो ये जो टू प्रोब मेथड और फोर प्रोब मेथड जो है, ये आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का लैब में आपको इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, टू प्रोब मेथड में ये जो आपको जो चार प्रोब दिख रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ पर आपको दो ही प्रोब मिलेंगे, और यहाँ से आपको वोल्टेज और करंट का मेजरमेंट मिलेंगे, विच इज नॉट गोइंग टू गिव यू द एक्यूरेट रिजल्ट। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग को फोर प्रोब मेथड यूज कर रहे हैं, और फोर प्रोब मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए दोनों साइड में हम लोग करंट अप्लाई कर रहे हैं, और इसके बीच में हम लोग इसको वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू गिव यू द एक्यूरेट रिजल्ट नाउ। एंड ये जो सेटअप है, ये सेटअप तुम्हारा VSM का सेटअप है, जो आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा, हो ना दिस इज अ सुपर डाया पैरा फेरो और पेरी, व्हिच टाइप ऑफ मैग्नेटिटी, इस बारे में आपको बताएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको मैं एक बात बोलूंगा, नैनो टेक्नोलॉजी आज का दिन में बहुत बहुत रिसर्च इसमें हो चुका है, लेकिन और भी है, लॉट ऑफ रिसर्च इज येट टू कम। तो आप सभी को मेरा एक सजेशन है कि आप लोग आपका जैसे गवर्नमेंट जॉब का कोशिश करते हैं, लेकिन रिसर्च के बारे में बहुत ही इंटरेस्ट बहुत कम बंदे को मिलता है, क्योंकि रिसर्च क्या है इस चीज़ को आपको प्रॉपर वे में समझाया नहीं जाता। तो आप रिसर्च में भी बहुत बढ़िया फील्ड है, और आफ्टर ग्रेजुएशन मेरा इस स्लाइड में और एक स्लाइड डालने का इरादा था, व्हाट आर द फ्यूचर स्कोप ऑफ द रिसर्च, लेकिन मैं वो टाइम शॉर्ट होने के लिए मैं वो डाल नहीं पाया। लेकिन आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th आपको एक एग्जाम होता है, एंड इफ तुम्हारा एज ग्रुप उस उम्र को क्रॉस ना कर गया है, यू शुड गो फॉर द बार्क टेस्ट। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टेस्ट होता है, लेकिन वहाँ पर इफ यू कैन गेट इन टू इट, तो आप एक साइंटिस्ट होकर वहाँ से निकलेंगे। तो इसी तरीके से देयर आर बहुत सारा, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब अम्बेडकर मराठा यूनिवर्सिटी, बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आपको नैनो टेक्नोलॉजी का कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आप यहाँ पर आपका कोर्स करके, डिप्लोमा वगैरह करके या डिग्री लेके आप आपका लाइफ को आगे बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट माई टूडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।